हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल्स. और मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं. लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स और एक्सरसाइज की थी 5B. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल इज़ अ नंबर दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स. मीन्स कोई दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आता है वो उसका किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है? 24. 6 का मल्टीपल भी है, 8 का भी मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल भी है, ये 2 का भी मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, ये बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल है. ये कैसे चेक कर लेते हैं? अगर 24 को कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देता है बिना रिमाइंडर के, तो 6 से अगर आप डिवाइड करके देखो तो 6 के टेबल में 24 आता है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है बाय 6. ये नंबर 24 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये सारे जो नंबर हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे वो सब इसके 24 उनका मल्टीपल्स मल्टीपल होगा. यानी कि 6 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 24 को, 6 से 24 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 6 4 24, तो 24 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स. और 4 से अगर 24 को डिवाइड करके देखो तो वो 6 टाइम डिवाइड हो जाता है. 3 से चेक करो, 3 8 24. यानी 24 जिन जिन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है वो उन सब का मल्टीपल है. तो मल्टीपल्स को लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं. 24 इज अ मल्टीपल ऑफ मैनी नंबर्स. तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6. 6 को, 2 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है. तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोथ. 2 का मल्टीपल है क्योंकि 6 के ये दोनों नंबर फैक्टर्स भी हैं. 24 के केस में भी वही सेम था कि उसके फैक्टर्स भी होते हैं. फैक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं वो. तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6. ओके, एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 बोथ. 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोथ. दोनों नंबर्स का वो मल्टीपल है 6. 24 के केस में भी था वो, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर्स के साथ में उसके मल्टीपल था वो. तो उसको हम बाद में ले लेंगे लाइव क्लास में. अभी आप इसके थ्रू समझो कि 2 और 3 को जब आप फाइनल जो प्रोडक्ट देखते हो उसका 6 आता है. यानी 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं एंड 6 दोनों का मल्टीपल है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. इफ वी मल्टीप्लाई 4 एंड 5 वी गेट 20 एज अ प्रोडक्ट. तो जो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा 20, ये मल्टीपल है किसका? 4 और 5 का. ये जो जो ऊपर जो डेफिनेशन आपको दी गई है मल्टीपल की, अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज फॉर्म बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स. मीन्स 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 एंड 5 वी गेट 20 एंड 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 बोथ. सो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, दोनों का ही मल्टीपल है 20. ठीक, और भी नंबर ले सकते हो 4 और 5 के अलावा. आप दूसरे नंबर्स भी ले सकते हो, 2 एंड 20 भी ले सकते हो, सॉरी 2 एंड 10. अगर आप देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 वी गेट 20, यानी कि 2 एंड 10 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. ये भी इनके फैक्टर्स हैं. तो 2 का भी मल्टीपल होगा 20 और 10 का भी मल्टीपल हो जाएगा 20. अब मल्टीपल्स लिखते कैसे हैं, बस एक सिंपल सी ट्रिक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना होता है मल्टीपल्स. तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को हम लिखते कैसे हैं, अगर आप ये चेक कर लोगे तो आप इजीली इनको निकाल सकते हो मल्टीपल्स. राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2. कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं आएगा राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल. मींस वो
लिमिटेड नहीं होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं. फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं बट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट. सो राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टू. टू वन ज़ टू, टू टू ज़ फोर, टू थ्री ज़ सिक्स, टू फोर ज़ एट, टू फाइव ज़ टेन, वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हो गए किसके? टू के. सो दीज आर द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टेन. अगर इसके आगे भी पूछता है तो ढेर सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे. काउंटेबल नहीं होते हैं मल्टीपल्स, लेकिन फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल नंबर होता है. उसकी लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के. और ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ. हर नंबर उसका मल्टीपल होता है. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू बाय वन वी गेट टू एज अ मल्टीपल. तो हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है. जैसे फैक्टर्स में हर नंबर खुद का फैक्टर होता था, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स कैरी ऑन एंडलेसली, यानी कि इनका कोई लिमिटेड नंबर नहीं होता है. एंड एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ वन. हर नंबर वन का मल्टीपल होता है. सो मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट्स इन द टेबल ऑफ एवरी नंबर. जो टेबल अगर आप लिखते हो तो मल्टीपल्स ही लिख रहे हो किसी भी नंबर के. टेबल कभी भी लिमिटेड नहीं होते हैं. टेन के बाद में भी आप टेबल्स को उसके आगे भी ले जाके लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका मल्टीपल्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मल्टीपल्स. सो वील कंटिन्यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.